हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेकअप ब्यूटी में। आज मैं आपके लिए ये लुक लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस मिस्ट लगाऊंगी, जो गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और मैं इसको ये ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद इसे सूखने के बाद मैं आपसे फिर दोबारा, अब मैं पॉन्स की सन एक्सपर्ट क्रीम लगा रही हूँ और ये PA++ +30 के साथ आता है। अब यहाँ डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी और अपने अच्छे से फिंगर की सहायता से मैं इसको मसाज करूँगी अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मेरी क्रीम लग चुकी है यहाँ पे। तो ये क्रीम मैंने लगा ली है। अब मैं इसके बाद प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर APK का है और ये सिल्क फेस है। तो यहाँ मैं अपने पूरे फेस पे प्राइमर लगा ले रही हूँ अच्छे से। तो आप देख सकते हैं तो प्राइमर लग गया है मेरा प्राइमर। अब इसके बाद मिलते हैं 2 मिनट बाद। अब मैं ओलिविया का पैनकेक ले रही हूँ। ये वाटर प्रूफ है और ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इसकी खूबसूरत पैकिंग है। इसके साथ एक स्पॉन्ज आता है और स्पॉन्ज तो खैर कोई काम का नहीं है। मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से गीले पानी में डुबो कर। तो यहाँ मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊँगी। यहाँ मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ अपने पूरे फेस पे। आप देख सकते हैं इस पैनकेक ने मेरे फेस पे कितनी अच्छी कवरेज लेके आया है। अब मैं अपने नेक और ईयर पे भी लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा पैनकेक लग चुका है अच्छे से। अब यहाँ हम कंसीलर की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं कवर स्टूडियो के पैलेट ले रही हूँ। ये स्विच ब्यूटी की है। यहाँ मैं लाइट शेड अपनी हाईलाइट करूँगी, अपनी हाईलाइट एरिया को हाईलाइट करूँगी आईज के आईज अंडर। और तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड करूँगी कंसीलर को। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी अपने कंसीलर को। कॉम्पैक्ट मैंने लैकमे का लिया है और ये मात्र 150 का आता है। अब मैं अपनी आईब्रो डिफाइन करूँगी और यहाँ मैं जेल लाइनर ले रही हूँ। ये म्यूजिक फ्लार का है। तो यहाँ अपने आईब्रो को शेप देते हुए मैं अपनी आईब्रो को डिफाइन कर ली। तो आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो हो गई है डिफाइन। अब यहाँ हम मिस रोज का पैलेट ले रहे हैं। मैं अपनी आईज की तरफ चलूँगी और मैं अपने आईज को कंप्लीट करूँगी। यहाँ मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, जो पिंकिश शेड है, पिंक स्टोन में है। यहाँ अपने क्रीज पर लगा लूँगी, ऊपर की साइड लेते हुए जाऊँगी मैं।
मैं यहाँ अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी, देख सकते हैं मैं कितने अच्छे से ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ऐसे ही। और तो ये देखिए मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको डार्क करते हुए ब्राउन शेड लेके फिर से कॉर्नर पे चलूँगी। यहाँ मैं ब्लैक शेड लेके अच्छे से ब्लेंड करूँगी, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैं पिंक शेड ले रही हूँ और ऊपर की साइड जहाँ हमने ब्राउन शेड लगाया उसके ऊपर जस्ट ऊपर ही लगाएंगे उसके। मेरा लग गया है। अब यहाँ मैं दूसरी पैलेट ले रही हूँ, गोल्डन शेड लूँगी इसमें से मैं, क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन शेड भी है तो मैं यहाँ पे क्रीज पे गोल्डन शेड लगाऊंगी फ्लैट ब्रश की सहायता से। और फ्लैट ब्रश के साथ मैं फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी इसको, अच्छे से लगाऊंगी। तो यहाँ मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ फिंगर से। अब यहाँ मैं पिंक शेड लूँगी और फिर से हम चलेंगे ऊपर साइड, फिर से मैं इसको लाइट करूँगी थोड़ा। तो ये देखिए, तो यहाँ मेरे बस अच्छे से ब्लेंडिंग कर ले रही हूँ ताकि कोई लाइन ना दिखे। आइस भी कंप्लीट कर ले रही हूँ, यहाँ मेरी दोनों आइस हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं अपनी आईब्रो को हाईलाइट करूँगी वाइट शेड से। तो आप देख सकते हैं अब मैं दूसरी आईब्रो को हाईलाइट करूँगी। तो यहाँ मैं अपनी दूसरी आईब्रो हाईलाइट कर चुकी हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरी आईब्रो हो गई हाईलाइट। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर लगाऊंगी येलो शेड के ऊपर ही, मैं ग्लिटर लगाऊंगी वाइट कलर का। तो ये देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी साइन आ गई है। अब मैं दूसरी आईज पे भी लगा लूँगी। तो यहाँ मेरा ग्लिटर लग चुका है, देख सकते हैं आप मेरी आईज का लुक। अब मैं यहाँ चलूँगी और कॉन्टोर, यहाँ मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। और कॉन्टोर के लिए मैंने ये ब्यूटी का लिया है 48 पे भी लगा लूँगी मैं। अब मैं फ्लैट ब्रश की सहायता से इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। देखिए एक तरफ ब्लेंडिंग होगी दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ फोरहेड पे भी ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपनी नोज एरिया को ब्लेंड करूँगी फिंगर की सहायता से ब्लेंड करूँगी मैं इसको। तो ये देख सकते हैं मेरी नोज हो गई है शार्प। Thank you.
मैं पाउडर कंटूरिंग से सेट करूंगी अपनी क्रीम कंटूर को। यहाँ ब्राउन शेड लेके पैलेट से आप देख सकते हैं। इसको सेट करेंगे ताकि ये एक लाइन ना दिखे। जब तक ये सेट होता है अब मैं यहाँ ब्लश लगाऊंगी। ये देखिए ब्रश की सहायता से मैं अपने गाल पे ब्रश लगा लूँगी अपने। ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। नेचुरल नेचुरल फिंगर करना है। अब यहाँ मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। यहाँ मैं हाइलाइटर लगाऊंगी ब्रश की सहायता से। ये देखिए कितनी अच्छी साइन आ चुकी है। अपने आईलाइनर पर यहाँ मैं लेफ्ट में का आईलाइनर लगाऊंगी। यहाँ मैं एक पिंक आईलाइनर बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं लाइनर एक आंख में लग चुका है। यहाँ मैं अपनी दोनों आंख में लाइनर लगा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मेरा अभी बंद। तो लिप बम लगा चुकी हूँ मैं यहाँ पे। अब हम आईलैशेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैं आईलैशेस लगा ले रही हूँ। तो आप तो मैं आप देख सकते हैं मेरी आईलैशेस लग चुकी हैं। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। एपी का है मस्कारा। ये बटरप्रूफ मस्कारा। अब मैं अपनी दूसरी आईज पे लगाऊंगी। अब मैं यहाँ काजल लगाऊंगी। काजल अब मैं काजल यहाँ आइकॉनिक लेग में आइकॉनिक का काजल लगाऊंगी। वाटरप्रूफ काजल है। अब मैं अपनी आईज पे काजल लगा ले रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना ब्लैक जेट ब्लैक काजल है। मेरी आईज को ही लुक चेंज कर दिया है। मैं अपनी दूसरी आईज पे लगा ले रही हूँ काजल। तो आप देख सकते हैं मेरे काजल लग चुका है मेरी आईज पे। अब मैं यहाँ लिप लाइनर लगा रही हूँ। और मैं इसी को ही लिपस्टिक लगाऊंगी क्योंकि मतलब इसका शेड मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैं अपनी इसी की लिपस्टिक लगाऊंगी इसी से। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ADS की पेंसिल से ADC की स्टिक लगाऊंगी। ADC की तो आप देख सकते हैं अच्छे से शेप दे रही हूँ मैं अपनी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लुक। अब मैं अपना पूरा मेकअप लुक करके आती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसे गर्ल्स शादी पार्टी में आप कर सकती हैं।
देखिए मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, गोल्डन शेड का बॉर्डर है, देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करें।